मैं रविंद्र द्विवेदी नेशनल प्रेसिडेंट एंटी करप्शन कमेटी एलियस भ्रष्टाचार समिति आज दिनांक 10/11/18 को हैदराबाद में आज कमेटी की तरफ से इस कार्यक्रम में भाग लिया कि किस तरह से तेलंगाना में करप्शन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। एक सरकार 5 साल तक यहाँ वर्क किया, आज इलेक्शन चालू है और नॉमिनेशन का समय आया है, फिर भी जनता को न्याय नहीं मिला। भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रहा तेलंगाना में, और जो दो पार्ट में तेलंगाना और आंध्रा डिवाइड किया गया, यहाँ की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। एंटी करप्शन कमेटी के लोग इस तरह से करप्शन के ख़िलाफ़, अत्याचार के ख़िलाफ़ वर्क करें, जनता तक यह समस्याएं लेकर जाएं। किसको वोटिंग करने का है, किसको सरकार लाने का है, कौन सरकारी लाने का है, जैसे जनता को न्याय मिले, तेलंगाना और आंध्रा विकास के ऊपर जाए। आज आंध्रा दो पार्टों में बांटा गया, फिर भी आज तेलंगाना की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। आज किस तरह से यहाँ की जनता करप्शन में डूबी है, अत्याचार में डूबी है, भ्रष्टाचार से पीड़ित है। आज महंगाई दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज इसलिए हमने यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमने यह विचार किया सभी कमेटियों के, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट मोहम्मद सैयद साहब, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हमारी एडवोकेट फातिमा सैयद मैडम, और हमारे तेलंगाना के महिला विंग के अध्यक्ष हमारी मैडम मिराज मैडम, हमारे अध्यक्ष जो हैं मंसूर साहब जी हैं, और तेलंगाना के उपाध्यक्ष नईम जी, सभी लोग आज इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, अपने अपने स्पीच दिए हैं। उनकी स्पीचों को हमने सुना, तो हमने विचार विमर्श किया कि सरकार नियुक्त होने के बाद में 23/3/19 को जो शनिवार के दिन है, ये सरूर नगर हमारी मिराज खान मैडम का ऑफिस है, वहाँ से एक रैली आयोजन किया जाए सुबह 10 बजे, और पूरे हैदराबाद में रैली यह निकाली जाएगी आगे इस करप्शन, आगे इस क्राइम के ख़िलाफ़। और जितने भी हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर हैं वो इसमें भाग लेंगे, और जो समस्याएं हैं, जो यहाँ की लोगों की समस्याएं हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और जनता से डिमांड करेंगे कि करप्शन के ख़िलाफ़ जो कि कंप्लेंट है, जो भी उनके ख़िलाफ़ शिकायतें हैं, इस रैली के माध्यम से रैली तक पहुँचाए, और रैली के लोग उनकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, स्टेट से साथ साथ सेंटर तक समस्याओं को समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि लोकसभा अभी चुनाव भी नज़दीक है 2019 का, वह यह अप्रैल में लास्ट में चुनाव होगा, तो हमें 23/3/19 को ये घोषणा कर रहे हैं हैदराबाद रैली के लिए, और हमारी रैली के लिए कंसर्न DGP ADGP कंसर्न DCP और साथ साथ में आंध्रा जो तेलंगाना के CM हैं, चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को हम लेटर रिमूव करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे रैली को प्रोटेक्शन दिया जाए, रैली को कोऑपरेट किया जाए, जिससे हम तेलंगाना के इस स्टेट में रैली भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाल सकें उनके सहयोग और कोऑपरेशन से। Invitees who are sitting before me, before the dais, I welcome you all to this meeting, sir. आज ये meeting रखी गई थी awareness program के लिए। हमारी जो committee है भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति, जो सारे देश भर में corruption के खिलाफ काम कर रही है और सक्सेसफुली सालों ना साल बीत गए, और ये मेहनत का नतीजा है कि हमारे नेताजी ने इसका झंडा इतनी ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन में इसको फिक्स किया है, कोई भी ताकत उसको हिला नहीं सकती। और इन सालों में हम लोगों ने
इतने अचीवमेंट्स किए हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हमारे पास है, उसमें से आपको मैं चंद आपके सामने रखूंगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कमेटी एक ऐसी कमेटी है, आप इसमें जुड़ के रहते हुए भी अपने आप को, अपने खुद को आप डेवलप कर सकते हैं। इसके थ्रू आप इतना काम कर सकते हैं कि अगर मन लगा के, आप जी लगा के अगर आप काम करेंगे तो आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। लेकिन इसको सही ढंग से करने वाला होना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत करें, बहुत सारे टाइम से हमारे पास कोई मीटिंग नहीं हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो भी हमारे ये मेरे ऊपर कंप्लेंट ना कर रहे हैं, मेरे ऊपर जा रहे हैं।